भाजपा से मेरी बड़ी जबरदस्त रहती है, जो समझ लीजिए। तो मोदी जी जो आ करके मुंह चमका चमका करके जो झूठ बोलते हैं ना, अगर उसको हम सच मान लें कि सचमुच वो चाय बेचते थे, तो पंडित नेहरू अगर नहीं होते तो नरेंद्र मोदी भी आज इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बना। आपने बार बार टीवी फ्रेम में देखा होगा कि यह साबित करने की कोशिश की जा रही थी कि जो कुछ भी हो रहा है 2014 से ही हो रहा है, मतलब उससे पहले लोग पत्ते खेलते थे, उससे पहले इस देश में कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था, उससे पहले जो है इस देश में विज्ञान की कोई प्रगति नहीं हो रही थी, उससे पहले इस देश में जो है संस्थाओं का निर्माण नहीं हुआ था। क्या करें, देश की बागडोर ही एक ऐसे इंसान के हाथ में है जो इतिहास में ही फेल हो गया था, जिसके पास इसकी समझ ही ना हो, उसके लिए तो चुनाव ही सब कुछ है। तुम्हें माता पिता, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें किसी तरह से जो है वोट लेकर के चुनाव जीत जाना है। क्या से क्या हो गया सनम देखते देखते। लोग कहते हैं जो भाजपा के हैं, भाजपा से मेरी बड़ी जबरदस्त रहती है, जो समझ लीजिए। तो भाजपा के लोगों को ऐसा लगता है कि देश का इतिहास 2014 से शुरू हुआ। अभी आप सब लोगों ने देखा, पूरी दुनिया ने जो है भारतवर्ष को बधाई दी, पूरे देश ने सेलिब्रेट किया कि हमारा चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रमा की सतह पे पहुंच गया है और लूनार लैंडिंग करने में हम पहले देश हैं जो सफल हुए हैं। तो उस दौरान भी आपने एक चीज देखा होगा, बार 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 बार, और मैं मीडिया के साथियों से कहता हूं कि आप बुरा मत मानिएगा, हम आपके खिलाफ कुछ नहीं बोलते, आप तो नौकरी कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ बोल रहे हैं ना जो इसको कंट्रोल कर रहे हैं। आपने बार बार टीवी फ्रेम में देखा होगा कि यह साबित करने की कोशिश की जा रही थी कि जो कुछ भी हो रहा है 2014 से ही हो रहा है, मतलब उससे पहले लोग पत्ते खेलते थे, उससे पहले इस देश में कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था, उससे पहले जो है इस देश में विज्ञान की कोई प्रगति नहीं हो रही थी, उससे पहले इस देश में जो है संस्थाओं का निर्माण नहीं हुआ था। क्या करें, देश की बागडोर ही एक ऐसे इंसान के हाथ में है जो इतिहास में ही फेल हो गया था, जिसके पास इसकी समझ ही ना हो, उसके लिए तो चुनाव ही सब कुछ है। तुम्हें माता पिता, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें किसी तरह से जो है वोट लेकर के चुनाव जीत जाना है और इस देश के इतिहास को, लोगों के योगदान को, उसके कंट्रीब्यूशन को तोड़ना है, मरोड़ना है। लोग विक्रम साराभाई को याद कर रहे थे, तो विक्रम साराभाई का परिवार भी तो है, मल्लिका साराभाई तो है, मल्लिका साराभाई आज भाजपा के खिलाफ बोल रही है नहीं बोल रही है, इसका पड़ताल करना चाहिए। अक्सर ये क्या करते हैं कि दूसरे के काम को और दूसरे के मकान को अपना साबित करने में लगे रहते हैं, नाम लिखते रहते हैं। मैं आ रहा था तो एयरपोर्ट पे जो है सुभाष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे है, और आप अक्सर देखिएगा कि नेहरू जी को नीचा दिखाने के लिए, नेहरू जी को गाली देने के लिए अक्सर कुछ नाम का इस्तेमाल किया जाता है, नेताजी का भी नाम है। तो पूछना चाहिए ना इनसे कि नेताजी की विरासत तुम्हारी विरासत है, नेताजी की विरासत तुम्हारी विरासत है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की विरासत तुम्हारी विरासत है, और जब जाते हो वास्को डिगामा की तरह दुनिया का चक्कर लगाने के लिए, तो गांधी के ऊपर जब माल्यार्पण करते हो वो गांधी की विरासत तुम्हारी विरासत है। इस देश में ना तुम 3 में ना 13 में, इतिहास आपका अंग्रेजों से माफी मांगने का, इतिहास आपका अंग्रेजों को यह कहने का कि आप मत जाइए देश छोड़ करके, आप यहीं रहिए, हम आपके ही अंदर सिविलाइज होना चाहते हैं। जान गंवाई
बंगाल के लोगों ने, जान गवाई महाराष्ट्र के लोगों ने, जान गवाया इस देश के एक एक इलाके के लोगों ने, और आप उस पूरे के पूरे आजादी के आंदोलन से गायब रहे। जो भी इस देश के भीतर राष्ट्र निर्माण की प्रक्रियाएं हुई, राष्ट्र निर्माण के जो काम हुए, उन तमाम कामों से आप गायब रहे। चाहे इस देश में लोकतंत्र की स्थापना हो, संविधान का निर्माण हो, देश में संस्थाओं का निर्माण हो, देश के भीतर पब्लिक सेक्टर का निर्माण हो, सब चीज से आप गायब रहे। और आज दशकों की मेहनत के बाद जब हमको कुछ उपलब्धियां मिलनी शुरू हुई है, जिस देश में एक सुई भी नहीं बनता था वहां जहाज बन रहा है, जिस देश में लोगों ने ज्ञान के विरुद्ध पूरी की पूरी अपनी ऊर्जा झोंक दी थी कि ज्ञान और विज्ञान को आगे नहीं बढ़ने दें, ये बंगाल की भूमि है। क्या हम ईश्वर चंद्र विद्यासागर को याद किए बिना रह सकते हैं? जब उन्होंने कहा कि विधवाओं को भी पुनर्विवाह का अधिकार होना चाहिए, यही लोग हैं ना, यही वो शक्तियां हैं ना जो कहती थी कि नहीं 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 नहीं, ये तो संस्कृति के खिलाफ है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि तिरंगा अशुभ होता है। ये वही लोग हैं, तीन रंग है इसमें इसलिए ये अशुभ होता है। यही वो लोग हैं जो ये कह करके विज्ञान के तमाम कार्यक्रमों का विरोध किया कि यह तो पश्चिमी सभ्यता है। अरे ज्ञान की कौन सी सभ्यता होती है? ज्ञान तो सत्य पर आधारित होता है। क्या पूरब, क्या पश्चिम, क्या उत्तर, क्या दक्षिण, ज्ञान तो सत्य पे आधारित होता है। जो सत्य भारत में है वही सत्य जो है अमेरिका में है। अरे H2SO4 कलकत्ता में भी होता है, H2SO4 दिल्ली में भी होता है, और H2SO4 न्यूयॉर्क में भी होता है। ये तो फैक्ट है, और फैक्ट पे, ट्रुथ पे ही तो नॉलेज होता है। जो नॉलेज के विरोधी रहे, विज्ञान के विरोधी रहे, और इस देश में संस्कृति की आड़ में अंधविश्वास को फैलाया, औरतों के खिलाफ जो है तमाम तरह की कुरूतियों का समर्थन किया, समाज को जो बांटने वाली शक्तियां हैं उनके साथ खड़े रहे, कहते हैं, आप सोच करके बताइए, जो लोग ये मानते हैं कि बिल्ली के रास्ता काटने से अशुभ होता है, उनके रास्ते पे चले होते तो आज चांद पे पहुंचते क्या? नहीं नहीं, बताइए नहीं। ये आज जो हमारी सफलता है उसके लिए हमारे पुरखों ने जान गवाई है। चाहे आप राजा राम मोहन राय की बात करें, चाहे आप ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करें, चाहे आप विवेकानंद की बात करें। मैं विवेकानंद जी का भी उदाहरण देना चाहता हूं। ये बस फोटो लगाते हैं, जिस दिन इनको विवेकानंद जी का विचार अपनाना पड़ा ना, उल्टे पांव भाग जाएंगे। ये जो इस देश के अंदर विचारों की परंपरा है, ज्ञान की परंपरा है, विज्ञान की परंपरा है, उस संस्कृति को ये पीछे धकेलते हैं। जो अज्ञानता है, अंधविश्वास है, नफरत है, समाज के भीतर इंसान को इंसान से जो बांटने वाली सोच है उसको ये आगे बढ़ाते हैं। आप सुनकर के बड़े आश्चर्यचकित हो जाएंगे, लोग पार्लियामेंट में खड़ा होकर के हाथ के सामने, मुंह के सामने माइक्रोफोन लेकर के और कहते हैं कि हमारी पश्चिमी सभ्यताएं हमारी सभ्यताओं को बहुत नुकसान पहुंचा रही हैं, और उनका बेटा बेटी ऑक्सफोर्ड जा रहा है पढ़ने के लिए। बेवकूफ बना रहे हैं सर हम ही लोग को, कि आप अपने पॉकेट में एप्पल मोबाइल रख करके कह रहे हैं कि स्वदेशी, किसको बेवकूफ बना रहे हो सर? इस देश की जो आधारभूत संरचना है, उस आधारभूत संरचना को आप रोज कमजोर कर रहे हैं। मैं आपके सामने एक उदाहरण देना चाहता हूं, आप सुनकर के आश्चर्य हो जाएंगे। एक पूंजीपति
एक धन्ना सेठ उसकी एक दिन की जो कमाई है उससे इस देश के भीतर 75 लाख मनरेगा मजदूरों को मजदूरी दी जा सकती है। इतनी बड़ी लूट, इतनी बड़ी असमानता। लोगों ने अलग अलग जवाब दिए। किसी ने कहा कि पेड़ पौधे नदी नाले धरती यह है देश। पंडित नेहरू जवाब देते हैं, कहते हैं कि भारत माता आप हैं। ये जो आप बैठे हुए लोग हैं ना, इस देश के जो 140 करोड़ लोग हैं ना, वही भारत माता है। और वो जो 140 करोड़ लोग हैं, उन 140 करोड़ लोगों के मिलने से ही देश बनता है, उससे ही देश का निर्माण होता है। और इस देश की संकल्पना में अगर हम भरोसा करते हैं तो हमको ये समझना पड़ेगा कि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं होते, अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं होते, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते, अगर गांधी के विचार नहीं होते, संविधान सभा नहीं होता, संविधान नहीं होता, तो याद रखिए, और मैं यहां से खड़ा होकर के कहता हूं, तो मोदी जी जो आकर के मुंह चमका चमका करके जो झूठ बोलते हैं ना, अगर उसको हम सच मान लें कि सचमुच वो चाय बेचते थे, तो पंडित नेहरू अगर नहीं होते तो नरेंद्र मोदी भी आज इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बने होते। आज हम इतिहास इसलिए याद करते हैं कि हमको अपने वर्तमान को बेहतर करना है। अपने वर्तमान को बेहतर करके आने वाली पीढ़ी को एक सुरक्षित भविष्य देना है। और सुरक्षित भविष्य देने का जो संकल्प है, उस संकल्प को लागू करने का मतलब ही है छात्र परिषद को याद करना। क्यों? क्योंकि हमारे समाज की एक परंपरा है। परंपरा यह है कि जब तक बात हमारे ऊपर नहीं आती है ना, हमारा असर नहीं होता है। आप अक्सर देखिएगा, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह कहके एक फिल्म आया, हॉल में लोग तालियां बजा रहे हैं। हमको तो लगा कि अब तो देश में क्रांति हो गई, लीजेंड ऑफ भगत सिंह आ गया है और हॉल में बैठ करके लोग ताली बजा रहे हैं, अब तो हॉल से बाहर निकलेंगे और क्रांति ही होगी, और जितने माँ बाप बैठे हैं सब अपने बच्चों को भगत सिंह बना देंगे। कौन बनाता है? कौन बनाता है? हर कोई यही सिखाता है कि राजनीति खराब चीज है, राजनीति से तुम्हारा कुछ भला नहीं है। तो आप बताइए माताओं बहनों, राजनीति खराब चीज है, राजनीति भला तुम्हारा नहीं करता है। तो अगर इस देश में सावित्री बाई फूले पैदा नहीं होती, महिलाओं को पढ़ाना नहीं शुरू करती, तो क्या इसरो में जो वैज्ञानिक लोग को आप देखे हैं साड़ी पहन करके ताली बजा रही थी, चंद्रयान को चंद्रमा पर भेजी थी, ये संभव हो पाता? कोई तो अपने शरीर पे कष्ट उठाता है, कोई तो अपनी जान गवाता है, कोई तो अपनी खुशियों की तिलांजलि देता है। हम जिस वक्त लोकतंत्र को, जमहूरियत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उस वक्त ही कुछ लोग जेल में भी तो हैं, कुछ लोगों के मीडिया चैनल को बंद भी तो करा दिया गया है, कुछ लोगों के घर पे ईडी और सीबीआई भी तो जा रहा है। जब वो अपने लोकतंत्र की आवाज को उठाता है तो उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, गोलियां चलाई जाती है। ये जो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये हमको गिफ्ट में नहीं मिला है। और मैं बार बार कहता हूं, फ्रीडम जो है ना, कोई डिश नहीं है कि जोमेटो पे फटाफट ऑर्डर कर लेंगे, आधे घंटे में आ जाएगा। फ्रीडम इज नॉट पिज्जा ब्रो, इट इज आवर फंडामेंटल राइट। और फंडामेंटल राइट जो है, पहले उसकी समझ होनी जरूरी है, उसके लिए पढ़ना जरूरी है, उसके लिए स्कूल जाना जरूरी है। और आज आप देखिए एक एक करके कैसे हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं। आप सब इस चीज को झेल रहे हैं कि आम लोगों के पहुंच से शिक्षा दूर होती जा रही है लगातार। अच्छे स्कूल में अगर एडमिशन लेना हो तो एडमिशन संभव नहीं है, एडमिशन अगर हो जाए तो उसका फीस देना संभव नहीं है। और आप एलकेजी यूकेजी की हालत देख लीजिए, आप नर्सरी की हालत देख लीजिए, बच्चा तो छोड़ दीजिए, माँ बाप का भी इंटरव्यू होता है, क्या से क्या हो गया सनम देखते देखते। एजुकेशन हमारा फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, एजुकेशन टू ऑल, साइंटिफिक सेकुलर क्वालिटी एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट है। और आज एजुकेशन को कैसे दूर किया जाए,
आप सुनकर के आश्चर्य होंगे, गुजरात में एक कंपनी को इतनी सब्सिडी दी गई है जितनी सब्सिडी से पूरे देश के किसानों का कर्जा माफ किया जा सकता है। हमारी प्रायोरिटी क्या है, हमको उलझाया किस चीज में जा रहा है? हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए रोजी रोटी, कपड़ा मकान, शिक्षा स्वास्थ्य, सड़क बिजली पानी, शांति एकता बराबरी, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। हमको फंसाया किस में जा रहा है? हिंदू मुसलमान जात पात उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और आप देखिए कि नफरत को आधार बना करके किस तरीके से समाज को लगातार बांटा जा रहा है। जहां धर्म होता है वहां धर्म का झगड़ा लगाते हैं, जहां धर्म नहीं होता है वहां जात का झगड़ा लगाते हैं, जहां जात नहीं होती है वहां समूह का झगड़ा लगाते हैं। आपने देखा कि मणिपुर में क्या हुआ, आज मणिपुर की क्या हालत है? और जब आप मणिपुर के ऊपर सवाल करिएगा तो जवाब आएगा कि राजस्थान में क्या हो रहा है। अरे ये कौन सी बात हो गई? हमको तो नहीं लगता है कि यूपीएससी का कॉम्पिटिशन करा करके उसको बीसीएसए का सेक्रेटरी बनाया। अरे सौरभ गांगुली यही के हैं, कम से कम क्रिकेटर थे, बैटिंग करते थे, कैप्टन थे, उनको बनाया तो समझ में आता है, ये तो कभी गिल्ली डंडा भी नहीं खेला है। इसका बाप अगर गृह मंत्री नहीं होता तो ये बीसीसीआई का सेक्रेटरी होता। तो तुम्हारा परिवारवाद परिवारवाद नहीं है, परिवारवाद नहीं है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि जो व्यक्ति भाजपा के बाहर भ्रष्ट है वो भाजपा में शामिल होते ही सदाचारी हो जाता है? एक नियम बनाना पड़ेगा ना। एक नियम क्या है? नियम ये है कि आपके पास अगर हेलीकॉप्टर है तब भी आपका वोट एक, आपके पास यदि फॉर्चुनर है तब भी आपका वोट एक, और हमारे पास A1 का साइकिल है तब भी हमारा वोट एक होता है। ये नियम होता है ना। तो अगर परिवारवाद गलत है तो परिवारवाद गलत सब जगह है। अगर धीरूभाई अंबानी का बेटा मुकेश अंबानी जब रिलायंस ग्रुप का मालिक हुआ इसमें आपको परिवारवाद नहीं दिखता है, और राहुल गांधी राजनीति में आया इसमें आपको परिवारवाद दिखता है, मतलब आपका चश्मा का नंबर गड़बड़ है। क्योंकि हम आपके खेल को समझते हैं, हमने इस देश के आम लोगों के खून पसीने की कमाई से, उनके टैक्स के पैसे से हमने पढ़ाई की है, हमने आपका नमक खाया है, इसीलिए हम इस देश के आम लोगों के कर्जदार हैं। हम ये समझते हैं, हमको मालूम है कि ठंडा मतलब कोका कोला नहीं होता है, हमको मालूम है, हमको मालूम है कि कोई भी चीज की तासीर अगर ऊपर से ठंडी हो तो जरूरी नहीं है कि वो ठंडा होता है। हमको मालूम है कि फेयर एंड लवली लगाने से किसी का मुंह गोरा नहीं होता। हमको मालूम है कि प्रचार एक बात होता है और हकीकत दूसरी बात होती है। प्रचार के लिए, अपनी राजनीति के लिए, चुनाव के लिए आप जो दावे करते हैं वो एक बात होती है, लेकिन हकीकत में देश का निर्माण देश के लोगों से होता है, और देश के लोगों की जो बुनियादी चीजें हैं वह है रोजी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य की बात। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।